लेकिन बहुत ही कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि दरअसल ये जो एम्प्रेस मार्केट जिस मुकाम पर तामीर की गई, असल में ये वो बदनसीब अहाता और मुकाम है कि जहाँ पर बरतानवी हुकूमत के बागी सिपाही, जो कि लोकल हिंदुस्तानी सिपाही हुआ करते थे, उन्हें यहाँ पर इसी बदनसीब अहाते में लाकर तोप के गोलों से उनके सर उड़ाए जाया करते थे। और कई लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से हलाक किया गया और मौत के घाट उतारा गया। कौसर कितने का? 3 लीटर का कौसर, 1700। और 5 लीटर में कौन सा है? अच्छा, कौसर 5 लीटर कितने का मिल जाएगा? 2880 रुपये। हम लोग मौजूद है इस वक्त यहाँ पर एम्प्रेस मार्केट, कराची की तारीखी बिल्डिंग, जिसके पीछे बहुत सी पीछे बैकग्राउंड है जी। ये हमारे सामने इसका एक क्लोजअप है, बहुत पुरानी कराची की हिस्टोरिकल बिल्डिंग में से एक ये बिल्डिंग है। किसी ज़माने में आपको यहाँ पे जो ग्रास नज़र आ रही है, घास नज़र आ रही है, यहाँ पे सारी यहाँ पे मार्केट हुआ करती थी, जो इमरान खान गवर्नमेंट ने आके सबको तोड़वा के यहाँ पे एक गार्डन सा बना दिया। इसके बाद फुटपाथ के ऊपर सारी ये ख़वातीन जो है ये ड्राई फ्रूट बेच रही हैं। इसी ज़माने में यहाँ सारी दुकानें मार्केट हुआ करती, टेंटों के और छप्पड़ों के नीचे झुगियाँ बनी हुई थी, झुगिया नुमा मार्केट थी यहाँ पे, जो तोड़ के यहाँ पे इसको एक हरा भरा सेक्टर देने की कोशिश की गई है। इसकी बहुत तारीख है एम्प्रेस मार्केट की। यहाँ पे किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर से पहले, अंग्रेज़ों के दौर में भी यहाँ पर बाकायदा सजाए मौत दी जाती थी लोगों को, एग्जीक्यूशन हुआ करती थी यहाँ पर। आज भी हुई अंग्रेज़ों के दौर पे यहाँ पे आपको सारी एक इसकी आर्किटेक्चर नज़र आ रही है, बड़ा सा दरवाज़ा बरतानवी रूल के ज़माने का बना हुआ ये एक जगह। अगर हम माजी के पीछे चले जाएं तो यहाँ पर अभी आपको सारे स्टॉल नज़र आ रहे हैं, दुकानें और फल और सब्जियाँ। उस ज़माने पे यहाँ पे कुछ और हुआ करता था। इसी अहाते में इस वक्त सजाए मौत लोगों को दी जाया करती थी। अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके देखें तो ये आपको कुछ और मंजर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बाल सस्ती मार्केट मानी जाती है कराची में, प्रेस मार्केट जो है यहाँ पर चीज़ें सस्ती हैं शहर के मुकाबले में, और इसके ऊपर एक अंदर से इसका सामने टूटी हुई आपको गोल सा दायरा नज़र आ रहा है, आप किसी ज़माने में घड़ी हुआ करती शायद, क्लॉक तो नहीं है अभी यहाँ पे, उसका एक निशान बाकी रह गया। और उसका एक दरवाज़ा यहाँ से बाहर निकलने के लिए है। तो ये छन्नी कितने की है चाय की? ये वाली 150 रुपये। और ये वाली 50 रुपये। ये 50 रुपये में यहाँ पर सारी फ्रेश सब्जियाँ। अच्छा, कौसर 5 लीटर कितने का मिल जाएगा? 2880 रुपये। रसमन बारे बी क्यू का भी पड़ा होगा दोस्त, क्या हिसाब है? यहाँ पे रेट्स कुछ बाहर से कुछ कम है? जी जी। अच्छा, कितना फ़र्क होगा बाहर से इसका अंदाज़ा? किलो पे 150 रुपये का फर्क होगा। किलो पे? अच्छा, इसका अहाता इस एम्प्रेस मार्केट इतना सही है बस? जी, अभी ये रही रही, यही रही, बाहर से तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, अभी ये रह गया, वरना तो इसकी खासी बड़ी मार्केट। बाहर तो बहुत बड़ा पहले सारा मार्केट थी। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर का बस यही एरिया है जितना नज़र आ रहा है? बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं अंदर से? इसके 4 दरवाजे हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। हाँ, 1, 2, 3 और 4। 4 दरवाजे, इसके टोटल 4 दरवाजे हैं एम्प्रेस मार्केट के। एक तो आपको ये पसंद नज़र आ रही है ये दरवाज़ा जहाँ से बाहर निकलेंगे अभी, और 2 दरवाजे इसके दाएं बाएं हैं। तो सामने आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है एक, देखिए
और एक दरवाज़ा वो सामने, चार दरवाजे हैं टोटल इसके। ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, अंदर कोई आई थिंक 1.5 से 2 हज़ार गज तक की जगह होगी, इससे ज़्यादा की बड़ी जगह नहीं है। यहाँ से इसका पिछला दरवाज़ा ये है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं। जी हम इसके बैक साइड पे खड़े हैं एम्प्रेस मार्केट की, ये इसका बैक डोर है, बैक दरवाज़ा। ये इसका मेन दाखिली दरवाज़ा जहाँ से हम अंदर आए हैं। और बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, अंदर से तो बहुत बड़ी इसका जगह नहीं है। तकरीबन बहुत ही कम लोग इस हकीकत से आगाह हैं कि दरअसल ये जो एम्प्रेस मार्केट जिस मुकाम पर तामीर की गई, असल में ये वो बदनसीब अहाता और मुकाम है कि जहाँ पर बरतानवी हुकूमत के बागी सिपाही, जो कि लोकल हिंदुस्तानी सिपाही हुआ करते थे, उन्हें यहाँ पर इसी बदनसीब अहाते में लाकर तोप के गोलों से उनके सर उड़ाए जाया करते थे। और कई लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से हलाक किया गया और मौत के घाट उतारा गया। और फिर बाद में इस खौफ से कि कहीं लोग उन शहदा सिपाहियों की याद में यहाँ पर कोई यादगार, कोई मॉन्यूमेंट तामीर ना कर दें, इस जगह पर यह एम्प्रेस मार्केट तामीर कर दी गई और उसके अंदर दुकानें बनाकर इसे तजारती मरकज़ का रूप देने की कोशिश की गई और बाद में ये एक तजारती मरकज़ बन के रह गया। जब हमने यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से भी पूछा कि उन्हें क्या इस हकीकत के बारे में कुछ आगाही है, तो इससे नावाकिफ थे। उन्हें जब ये बताया गया कि वो उस मुकाम पर दुकान खोल के बैठे हैं कि जहाँ पर लोगों को सजाए मौत दी जाया करती थी, उनके सर तोप के गोलों से उड़ाए जाया करते थे, तो वो हैरानगी का शिकार हुए। बहरहाल ये है कराची की एम्प्रेस मार्केट, जो पूरे शहर भर और पाकिस्तान में मशहूर है। तकरीबन 133 साल पुरानी ये बिल्डिंग अभी तक कराची में अपनी जगह पर कायम दायम है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो एम्प्रेस मार्केट के हवाले से आपको पसंद आया होगा।